नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना, इंडिया स्पीक में आप सभी का करता हूं स्वागत। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। अब बहुत स्पष्ट स्पेडिटी बन गई है। एक तो जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर है उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो उन सभी की वैलिडिटी, सभी लाइसेंसों की जो लॉकडाउन अवधि में एक्सपायर किए थे, जैसे कोई परमानेंट डीएल अगर मार्च 1 फरवरी या उसके बाद एक्सपायर हुआ तो उसकी वैलिडिटी 30 सितंबर तक वैलिड है। और अगर हम बात करें नए लाइसेंस के आवेदन की, तो नए लर्निंग लाइसेंस का आवेदन अब आरंभ हो गया है। 30 सितंबर तक के हमारे पास स्लॉट जो है वो बुक है। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत शनिवार और इतवार को स्लॉट नहीं आवंटित होते, उसके आगे के आवंटित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिसका लर्निंग लाइसेंस बन चुका है उसका भी परमानेंट लाइसेंस का आवेदन हो सकता है। हाँ, वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लर्निंग लाइसेंस का केवल प्रतिदिन 33 लाइसेंस का आवेदन हो सकता है और परमानेंट का 90 लाइसेंस का आवेदन हो सकता है। अच्छा, वहीं अगर कोविड-19 की बात करते हैं तो आर्थिक स्थितियां सभी की खराब हुई हैं। अभी हाल ही में 300 ट्रकों ने सरेंडर करा और अभी हाल ही में बस यूनियन वालों का भी कुछ ज्ञापन वगैरह दिया था, तो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार आपका कितना लॉस हुआ है, कितनी रिकवरी हुई? हम लोग लगभग 450 बड़े वाहन जिसमें ट्रक और बस दोनों शामिल हैं उनका हमें नुकसान हो रहा है। उन सभी वाहनों ने सरेंडर कर दिया है और पैसेंजर व्हीकल्स, लगभग 150 पैसेंजर व्हीकल्स जो संचालन की स्थिति में नहीं थे उन लोगों ने भी सरेंडर किया है। और सरकार ने, हम लोगों ने, परिवहन विभाग ने यह नीति बनाई है कि मार्च और अप्रैल का शास्त ही उनको छोड़ दिया गया है और अगर वो टैक्स जमा करना चाहें तो टैक्स जमा कर सकते हैं। तो राजस्व की बात करें तो कितना नुकसान हुआ है? राजस्व की हमें सीधा ये 450 वाहनों के राजस्व का मूल्य लगभग क्या मूल प्रति माह नुकसान हो रहा है, क्या लगभग क्या उसके अमाउंट बैठ? इसका अमाउंट लगभग 50 लाख, मुझे अभी इसका आग्रह करना पड़ेगा, 50 लाख से